नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। किस जिले को उत्तर प्रदेश में किस आप विशेष वस्तु के लिए पहचान दी गई है, एक प्रश्न इसका आपका चाहे लोक सेवा आयोग का आगामी आरओ है, चाहे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस है, एक प्रश्न इससे जरूर पूछा जाना है। तो एक सरसरी नजर डालते हैं कि कहां किस प्रोडक्ट को आपके किस पहचान के तौर पर जाना जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट के पहचान के तौर पर जाना जाता है। इसमें जैसे हम बात करते हैं, अब ये 75 जो अपने जिले हैं, 75 जिलों के लिए 75 आपके अलग अलग वस्तुओं को इनको एक तरीके से क्या दिया गया है, उनकी पहचान दे दी गई। जैसे हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट है आपका अमरोहा, अमरोहा को वाद यंत्र के लिए जाना जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। दूसरा आपका है अमेठी, अमेठी में मूंज उत्पाद के लिए इसको आपका ठीक है पहचान दी गई है। तीसरा आपके सामने है अलीगढ़, अलीगढ़ में जब हम बात करते हैं ताले और ताले के साथ साथ जब हम बात करते हैं हार्डवेयर की, तो ये अलीगढ़ में देखने को मिलता है। चौथा आपका है अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर को वस्त्र उद्योग के लिए आपका क्या किया गया है, वोटिंग जो है ओपी के अंतर्गत जो है दर्ज किया गया। अगला है आगरा, चमड़े के उत्पाद के लिए आगरा को आपका एक पहचान दी गई है। अगला है आपका आजमगढ़, काली मिट्टी की कलाकृतियां आजमगढ़ में विशेष तौर पर बनाई जाती है। अगला है आपका इटावा, इटावा को भी वस्त्र के लिए पहचान दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं तो फिर आता है आपका इलाहाबाद, मूंज उत्पाद के लिए इलाहाबाद को आपका जो है रजिस्टर किया गया है। फिर हम बात करते हैं उन्नाव, उन्नाव में जरी जरदोजी का काम देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं एटा की, तो घुंघरू और घंटी के लिए एटा को आपकी पहचान दी गई है। फिर हम बात करते हैं औरैया की, तो देसी घी दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र यहां पर है आपके, देसी घी को लेकर। फिर हम बात करते हैं कन्नौज में, तो कन्नौज में इत्र को लेकर के इत्र नदी कहते हैं। अगला आपका है कानपुर देहात, जस्ते के बर्तन के लिए कानपुर देहात को आपका रजिस्टर किया गया है। उसके हम बात करते हैं कानपुर नगर, तो चमड़े के उत्पाद के लिए कानपुर नगर को जो है जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट की, कासगंज, तो कासगंज में भी जरी जरदोजी का काम आपका बृहत स्तर पर होता है। फिर हम बात करते हैं कुशीनगर, तो केले के रेशे से बने उत्पाद कुशीनगर में देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कौशाम्बी की, तो खाद प्रसंस्करण केला को लेकर के यहां पर विशेष तौर पर कार्य होता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, गाजियाबाद, तो गाजियाबाद को यांत्रिकी उत्पाद के लिए दिया गया है। फिर हम बात करते हैं गाजीपुर, तो गाजीपुर को जूट वाले वॉल हैंगिंग के लिए जो है दिया गया है। फिर हम बात करते हैं गोरखपुर, तो गोरखपुर में मिट्टी के जो बर्तन टेराकोटा होती है उसके लिए पहचान दी गई है। फिर हम बात करते हैं गोंडा की, तो गोंडा में दाल प्रसंस्करण के लिए इसको पहचान दी गई है। फिर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर, तो सिले सिलाए जो वस्त्र होते हैं इसके लिए गौतम बुद्ध नगर को पहचान दी गई है। फिर हम बात करते हैं चित्रकूट की, तो लकड़ी के खिलौने के लिए। फिर हम बात करते हैं चंदौली की, तो जरी और जरदोजी के लिए चंदौली को। फिर हम बात करते हैं जालौन की, तो हस्त निर्मित कागज के लिए। साथ ही साथ जौनपुर, तो ऊनी दरी का निर्माण जौनपुर में होता। फिर हम बात करते हैं झांसी की, तो कोमल खिलौने सॉफ्ट टॉय जो होते हैं ये झांसी में बनते। फिर देवरिया की बात करें, तो सजावटी उत्पाद देवरिया में देखने को मिलते हैं। उसके बाद पीलीभीत को बांसुरी के लिए दिया गया है। फिर हम बात करते हैं जो है प्रतापगढ़ की, तो यहां आंवला भाई वैसे ही मशहूर है। फिर बात होती है फतेहपुर की, तो बेडशीट के लिए फतेहपुर को ओपीओटी में रजिस्टर किया गया। फिर फरुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फरुखाबाद को। फिर हम बात करते हैं फिरोजाबाद की, तो कांच उत्पाद जितनी भी होते हैं फिरोजाबाद सुहाग नगरी। फैजाबाद की बात करते हैं, तो गुण के लिए फैजाबाद को रजिस्टर किया गया है। फिर हम बात करते हैं बदायूं की, तो जरी जरदोजी के लिए बदायूं को भी रजिस्टर किया गया है। फिर हम बात करते हैं बरेली की, तो बरेली में भी जरी जरदोजी का काम देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं बलरामपुर, तो यहाँ खाद प्रसंस्करण दाल गोंडा बलरामपुर दोनों एक ही जो है जाने जाते। बलिया में बिंदी के लिए इसको पहचान दी गई है। फिर हम बात करते हैं बस्ती में, तो कास्ट शिल्प जो होता है ठीक है उसके लिए बस्ती को पहचान दी गई है। फिर बात होती है बहराइच की, तो गेहूं के डंटल की कलाकृतियां बहराइच में जो है विशेष तौर पर बनती है। बागपत की बात करें, तो घरेलू सजावटी सामान है इसके लिए इसको पहचान दी गई है। फिर बात होती है बाराबंकी की, तो हथकरघा उत्पाद के लिए बाराबंकी को पहचान दी गई है। फिर हम बात करते हैं बांदा की, तो सजर पत्थर शिल्प के लिए बांदा को पहचान दी गई है। उसके बाद जब हम बात करते हैं बिजनौर की, तो कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट जो है बिजनौर को पहचान दी गई है। फिर हम बात करते हैं बुलंदशहर की, तो चीनी मिट्टी के बर्तन पॉटरी जो होते हैं इसके लिए बुलंदशहर को पहचान दी गई है। फिर बात करते हैं मऊ को, तो मऊ को वस्त्र उत्पाद के लिए पहचान दी गई है। फिर बात करते हैं मथुरा की, तो स्वच्छता संबंधी उपकरण जितने भी होते हैं ये मथुरा में विशेष तौर पर बनते हैं। फिर कह रहा महाराजगंज, तो फर्नीचर के लिए महाराजगंज आपका विशेष तौर पर जो है रजिस्टर हुआ है। उसके बाद बात करते हैं महोबा, तो गोरा पत्थर शिल्प महोबा में देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं मिर्जापुर, तो कालीन ठीक है कालीन भैया का क्षेत्र भी है मिर्जापुर। उसके बाद जब हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर, तो गुण के लिए मुजफ्फरनगर को क्या किया गया है,
ओपीओडी के अंतर्गत पहचान दी गई। मुरादाबाद की बात करते हैं तो धातु शिल्प उत्पाद के लिए मुरादाबाद को जो है एक पहचान दी गई है। उसके बाद बात करते हैं मेरठ, तो खेल का सामान मेरठ में देखने को खूब मिलता है। फिर हम बात करते हैं बैनपुरी की, तो जो तारकसी कला होती है ये मैनपुरी में इस तरीके के काम किए जाते हैं, इसके लिए इसको पहचान दी गई। फिर बात होती है रामपुर में, तो रामपुर में पैच वर्क हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर बात होती है रायबरेली की, तो यहां भी कास्ट सेल्फ के लिए रायबरेली को पहचान दी गई है। फिर बात होती है लखनऊ की, तो चिकनकारी एवं जरी जो है जरदोजी का काम लखनऊ में बड़े स्तर पर होता है। फिर हम बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, तो जनजातीय सेल्फ ट्राइबल क्राफ्ट आपको लखीमपुर खीरी जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद ललितपुर की बात करें तो जरी सिल्क साड़ी का काम यहाँ होता है, इसलिए इसके लिए इसको पहचान दी गई। उसके बाद वाराणसी की बात करें तो रेशम उत्पाद के लिए वाराणसी को पहचान दी गई है। फिर हम बात करते हैं शामली की, तो रिम एवं धुरा जो होते हैं इसके लिए किसको, वाराणसी को पहचान दी गई है, वो शामली को। फिर बात करते हैं शाहजहांपुर को, तो शाहजहांपुर में भी जरी जरदोजी का काम बृहत स्तर पर होता है। फिर बात आती है श्रावस्ती की, तो जनजातीय सेल्फ ट्राइबल क्राफ्ट के लिए श्रावस्ती को पहचान दी गई है। फिर बात करते हैं संभल की, तो संभल में सींग एवं अस्थि उत्पाद आपके बनाए जाते हैं, इसके लिए इसको पहचान दी गई। फिर बात करते हैं सहारनपुर की, तो कास्ट सिल्प वुड कार्विंग जो होती है ये आपको सहारनपुर में देखने को मिलती है। उसके बाद सिद्धार्थनगर की बात करते हैं, तो खाद प्रसंस्करण खासतौर पर काला नमक चावल सिद्धार्थनगर एरिया में खूब पैदा होता है। उसके बाद बात करते हैं सीतापुर, तो दरी के लिए सीतापुर को एक पहचान दी गई है। फिर आती है बात सुल्तानपुर की, तो मूंज उत्पाद के लिए सुल्तानपुर को एक नाम दिया गया है, पहचान दी गई है। फिर हम बात करते हैं सोनभद्र की, तो कालीन के लिए सोनभद्र को पहचान दी गई है। उसके बाद आपका जो है संत कबीर नगर की बात करें, तो पीतल के बर्तन के लिए संत कबीर नगर को पहचान दी गई है। फिर बात आती है भदोही की, तो भदोही को भी कालीन के लिए जो है इसके अंतर्गत पहचान दी गई है। फिर बात करते हैं हमीरपुर की, तो हमीरपुर में विशेष तौर पर आपकी जूती के लिए जाना जाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं हरदोई, तो हरदोई आपका हथकरघा के लिए। और फिर जब बात आती है किसकी, हाथरस की, तो हाथरस हींग प्रसंस्करण के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं हापुड़ की, तो हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान के लिए इसको एक पहचान दी गई है। फिर बात आती है ये जितने भी एक साथ हैं उन सभी को मैंने एक जगह दे दिया है, इनको आप देख लीजिएगा। उम्मीद है इससे एक प्रश्न आपका 100% सही होगा। ऐसे ही सटीक इंफॉर्मेशन के साथ पुनः मिलूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ अच्छे अच्छे कमेंट जरूर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।